हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियो है, यहां पे लेके आने वाले हैं हम 5,000 US डॉलर की ट्रेड फ्रॉम ऑलिम ट्रेड के जो लाइव अकाउंट है उससे। तो यार गाइस, सबसे पहले डिस्क्लेमर की बात कर लेता हूं। तो गाइस, वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बना रहा हूं। यहां पे ये जो स्टंट है, ये घर पे आप अपने अकाउंट के साथ बिल्कुल भी ट्राई मत करें, अदरवाइज बहुत ही बड़ा लॉस आपको फेस करना पड़ सकता है। कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता कि बड़ी ट्रेड्स आप लो, लेकिन कभी कभार बड़ी ट्रेड्स लेके जो ऑडियंस है उनको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी सारे जो रिस्पॉन्स आते हैं मेरे पास कि सर कुछ बड़ी ट्रेड का जो है अमाउंट से ट्रेड लो, कुछ इंटरेस्टिंग सा करो, तो दैट्स वाई ये जो अकाउंट आपके सामने आ रहा है और लाइव अकाउंट है और यहां पे हम लेने वाले हैं बहुत ही बड़ी ट्रेड। यहां पे मैं पहले रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं, ताकि कुछ लोग हैं जिनके मन में डाउट आता है कि भैया आपने रिफ्रेश क्यों नहीं करके दिखाया, आपने कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट तो नहीं यूज किया है तो लाइव अकाउंट को चेंज करने के लिए। तो देखिए भैया, रिफ्रेश करके मैंने आपको दिखा दिया है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजा आएगा। लाइक अभी करो यार भाई कि डेयरिंग के लिए अभी लाइक कर दो और कमेंट कर दो अभी से, उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर पहली बार हो, अगर फॉरेक्स और बाइनरी मार्केट से नॉलेज चाहते हो, जानकारी चाहते हो, अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और एक और बार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, नहीं हुए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। सो गाइस, lightforex.com ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप चेक करना चाहें तो यहां से चेक कर सकते हैं। लाइट फॉरेक्स के रिगार्डिंग शायद मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है। तो लाइट फॉरेक्स एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको काफी सारी जो है फीचर्स मिल जाते हैं, जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेक्स में। चैट सपोर्ट इनका काफी फास्ट है, काफी ज्यादा जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं, मेथड प्रोवाइड करते हैं विड्रॉ के लिए और डिपॉजिट के लिए। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स जो यहां पे आपको यूनिक मिलेंगे बाकी सारी चीजों से। यहां पे एक जो कॉन्टेस्ट का आपको मिलेगा, यहां पे देखो आप डेमो कॉन्टेस्ट के लिए भी जा सकते हो, सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए भी जा सकते हो, और यहां पे जो है कॉन्टेस्ट रन होता रहता है प्रमोशन और फॉर पार्टनर्स के लिए भी। अगर आप यहां से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो तो आप पार्टनर भी बन सकते हो इनके। और इन्वेस्टर्स का सेक्शन भी आपको मिल जाता है यहां पे, सोशल ट्रेडिंग और जो ट्रेडिंग से रिलेटेड Q&A सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है सारे मिल जाते हैं आपको। और अगर आप बिगिनर्स हो, फॉरेक्स के बारे में कुछ नहीं जानते, तो भी आप यहां पे आके चेक कर सकते हो। लाइट फॉरेक्स अच्छी वेबसाइट है, अच्छी खासी जो है रीच है इनकी, और अच्छी खासी चीजें यहां पे लाइक आपको मिल जाती है, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, ठीक है, इतना भारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको नहीं मिलने वाला है। देखो अभी आप है डेमो मोड में, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ अपना फोन नंबर और या फिर ईमेल और आपको पासवर्ड चाहिए। अगर आप चाहें तो फेसबुक और गूगल की मदद से भी यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब वीडियो पे आते हैं। तो $5,000 का जो अमाउंट है मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और आज जो है हम ट्रेड लेने वाले हैं बेसिक अल्ट कॉइन इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि यार इसका जो चेक है थोड़ा सा चीजें मैंने पहले ही कर रखी है, ठीक है। टाइम हमारी एक मिनट बिल्कुल नहीं होने वाला है, हमारा जो टाइम होने वाला है वो होने वाला है 5 मिनट। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने यूज़ किया हुआ है, मिनट मैंने एक यूज़ किया हुआ है, EMA मैंने यूज़ किया हुआ है 6:30 not 26। यार गाइज, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ ना, एक चीज़ बता देता हूँ बिल्कुल यार, अभी मैंने डिस्क्लेमर आपके साथ डिस्कस किया है, आपको इतनी बड़ी ट्रेड कभी भी नहीं लेनी है, क्योंकि जो पैसा होता है ना भाई, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बहुत मेहनत से। ये जो टेस्टिंग मैं आप लोगों के लिए करता रहता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे मैं खुद अपने अकाउंट का सिर्फ 1% टारगेट करता हूँ पर डे। ये जो इतनी बड़ी ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े रिस्क है कि मैं लॉस भी कर सकता हूँ। अगर लॉस कर गया कोई बात नहीं, मैं मैनेज करूँगा उस चीज़ को, क्योंकि आप लोग हो अपना ज़रूरत का जो पैसा होता है ना वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो। उसके बाद आप लोगों की क्वेरीज आती है कि सर मैंने बहुत मेरा ज़रूरी पैसा था वो मैंने आप इन्वेस्ट कर दिया, किसी से लेके इन्वेस्ट कर दिया। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट मत किया करो। अभी देखो थोड़ी सी कंफर्मेशन मुझे मिल रही है, तो हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को फर्दर, बट जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो व्हाट अबाउट मैं जो चीज़ें कह रहा था कि यहाँ पे आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना है, सिर्फ वही पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो जिसको खोने का ज़्यादा दुख आपको ना हो, जो पैसा किसी से उधार ना लिया हो, कोई आपकी थोड़ी थोड़ी बहुत सेविंग हो या इतना, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करो। अगर आप सीख जाते हो तो आगे आपकी मर्जी है, बट शुरुआत में चीज़ें धीरे ही लेके चला करो, ये मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी हम लेने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिस्ड इट, मिस कर दिया एंट्री पॉइंट यार, यहाँ पे मुझे लग रहा था। ओके, नो इशू, लेट्स सी। ओके,
जस्ट जैसे सेकेंड हम जो है प्लेस करेंगे ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में, बट जस्ट वांट टू एनालाइज द सिचुएशन इन द चार्ट क्योंकि अमाउंट बड़ी है. ओके तो यहाँ पे मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है $5,000 की. डायरेक्शन है हमारा अपवर्ड एंड यार मेरे अकाउंट में बैलेंस सिर्फ $4,000 बच गया है यार, लाइक $5,000 यानी अराउंड कितना हो गया. अब मैं इसको पहले कम कर देता हूँ, कभी क्या होता है ना गलती से वो ही अमाउंट सेट होके रख जाता है और ट्रेड सिग्नल अच्छा सा मिलता है तो बड़ी ट्रेड लग जाती है, गलती से ही लग जाती है, लगाना कोई चाहता नहीं है, ऐसा हो जाता है कई बार. तो यहाँ पे मैं अब $1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है. ओके तो प्रिडिक्शन तो हमारे जो लाइक अभी जो ग्राफ है वो तो हमारी प्रिडिक्शन के अगेंस्ट ही चल रहा है, बट लेट्स सी अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बाकी है. ओके तो अभी हाँ काफ़ी टाइम बाकी, देखते हैं. सो गाइज मैं जो बात कह रहा था, देखिए अगर ये ट्रेड हार भी जाते हैं तो ये मेरा मैटर है, मेरा कंसर्न है, लेकिन आप लोगों को मैं यही सिखाता हूँ कि सबसे पहले अपना जो पैसा है उसको बचाना सीखो. आप किस तरीके से उसको बचा सकते हो उस पर ध्यान दो, ना कि इस चीज़ पर ध्यान दो कि आप पैसा कमा कैसे सकते हो. अगर आप उसको बचाना सीख गए ना देन डेफिनेटली यू विल अर्न मनी फ्रॉम हियर, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम हियर, आप फिर यहाँ से पैसा कमा पाओगे. लेकिन आप उसको बचाना ही नहीं सीखोगे अगर आप बस ऐसा ही इन्वेस्ट कर दिया, मूड हुआ इन्वेस्ट कर दिया, बड़ी बड़ी ट्रेड्स ले ली, पैसे सारे हार गए, तो आप फिर यही चीज़ें होंगी. अगर आप पैसे हार जाओगे फिर आप बोलोगे कि यार सर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए मैं हार गया. तो यार इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ट्रेडिंग ना बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है, ये कोई स्मॉल बिजनेस नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आपके तुक्के काम नहीं आते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर प्लान काम आता है. यहाँ पे जो काम आते हैं वो काम आती है आपकी स्ट्रैटेजीज़, यहाँ पे जो काम आती हैं वो काम आती हैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें. अगर आप ये चीज़ें बिना सीखे इन्वेस्ट करोगे ना तो रिज़ल्ट आपका नेगेटिव आएगा ही आएगा. दे आर लॉट्स ऑफ पीपल यानी कि लगभग अगर मैं 100 लोगों में से बात करूं तो 95% लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, मेजर गलतियाँ करते हैं, छोटी गलतियाँ भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो लॉसेस में चले जाते हैं या लॉस फेस करना पड़ जाता है उनको. और मैं जो सब्सक्राइबर पार्ट्स की जो रिक्वेस्ट डालता हूँ ना, यानी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ सब्सक्राइबर पार्ट्स 1, 2, 3 जिनके 21 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर नहीं देखे आपने तो आपको जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं. तो यार अगर आपने वहाँ पे जाके आप देखोगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको वीडियोस में. तो यार वो जो मैं करता हूँ ना वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपकी गलतियाँ बताने की, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ बताऊँ जो लोग करते हैं और अगर वो वीडियो आप देखोगे और ताकि इन फ्यूचर वो गलती आप ना करो. तो यही चीज़ मैं करता हूँ. और यार बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ती है एक ट्रेड लेने से पहले या एक अकाउंट को देखने से पहले, देखने के बाद काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ती है और यही मैं कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा. लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से भी मैं करना चाहूँगा, मतलब मेरी तरफ से आप लोगों को मैं करना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स आते हैं यार. अब आप लोग हाइपर हो जाते हैं कोई लोग कि सर मेरे अकाउंट से क्यों नहीं ले रहे हो ट्रेड, मैं कब से कितना दिन से आपको कहा मैंने, आपने अभी तक ट्रेड क्यों नहीं ली है. मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फिर ऐसा कहते हैं. और सीरियसली गाइज मैं ये सोचता हूँ यार एक महीने में मैं 4 से 5 से 10 एपिसोड मैक्सिमम मैं अपलोड कर पाता हूँ, 4 कभी 5 कभी 1 महीने में 10 हो गए, इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ. तो इतने एपिसोड करने के बाद भी लाइक इतना ही कर पाता हूँ मैं. उसके बाद क्या होता है ना, आप लोग ऐसा बोलते हो कि सर मैं जो है लॉस में, उसके बाद आप बोलते हो सर आपने मेरे से क्यों नहीं लिया, आपने उस मतलब आप इतना टाइम से मैं बोल रहा हूँ 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया. तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार समझने की कोशिश करो माय कंडीशन, अब मेरी कंडीशन भी समझने की कोशिश करो. अगर मैं सिर्फ अगर मैं सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट की पार्ट्स अपलोड करता रहा तो लोग नहीं देखेंगे, वीडियोस देखना ही बंद कर देंगे. और जिन लोगों को ज़रूरत है वीडियो देखने की, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है जो लॉस कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा और उन्हें ज़रूरत है, वो चाहते हैं वीडियो देखना, कुछ सीखना चाहते हैं, फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. देखो बहुत बड़ी कैंडल बन गई है लास्ट सेकेंड्स में, ये तो भाई ये ट्रेड हरा के लेके जाएगी मुझे लगता है. कोई बात नहीं, ओ हो भयंकर योर मार्केटिंग इम्पैक्ट भाई, लाइक ये चीज़ हुई क्या, यहाँ पे मार्केट था देन वी गॉट मार्केट हियर. मेरे भी पसीने छूट गए थे 2 मिनट के लिए कि भाई इतने एनालिसिस करने के बाद भी क्या मैं ये ट्रेड हार जाऊँगा इतने बड़े अमाउंट की ट्रेड लेने के बाद भी.
लाइक यार, लाइक इट्स लाइक ऑन एज. अब बहुत ज़्यादा एज पे आ गई है. अब टेंशन हो रही है इस टाइम पे. लाइक वी हैव ओ गॉड एंड लाइक मैन लाइक वी लॉस इट. मुझे लगता है ये हम हार ही जाएंगे लगभग लगभग. ओके 26 27 लाइक 24 गॉन गॉन. ओ भाई भाई मज़ा आ गया ट्रेड में, मज़ा आ गया. लास्ट सेकंड में वी लॉस्ट अ $5,000 अमाउंट. ओके तो इसे सीखने को क्या मिलता है? देखिए, स्ट्रैटजी परफेक्ट थी, टाइमिंग परफेक्ट थी, एवरीथिंग लुक्स गुड, सारी चीज़ें परफेक्ट थी, एंट्री पॉइंट भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करेक्ट था. द लास्ट सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन पे जो फ्लक्चुएशंस हुए, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये ट्रेड लॉस कर गए. लास्ट सिचुएशन के जो लास्ट मोमेंट के जो फ्लक्चुएशंस थे, उनकी वजह से वी लॉस्ट दिस ट्रेड. नो वरीज, कोई बात नहीं गाइज. लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स कभी मत लो, और किसी के लाइक किसी कोई मत लो. इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स तो लेनी भी नहीं चाहिए किसी को भी, तो इतनी बड़ी ट्रेड्स आप कभी मत लेना. हाँ, मज़ा ज़रूर आया ट्रेड लेके, और मुझे लगता है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा यार. तो #technicalavi ज़रूर यूज़ करना, #technicalavi ज़रूर यूज़ करना वीडियो के अंदर. लाइक और अगर आपको कुछ और देखना हो हमारे चैनल पे तो ज़रूर पूछिएगा, मज़ा आएगा और भी कुछ करने के लिए आप लोगों के लिए. वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए थी, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी, तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना. सीरियसली इन द सेंस कि लॉसेस हो गए, ठीक है लॉसेस हो गए, कवर करेंगे इन फ्यूचर, जो होगा देखी जाएगी. अब काफ़ी लोग भैया मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि यार इतना लॉस कर गया, उसको दे देता, इसको दे देता. भाई मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ. दिस वीडियो ये भी आप लोगों के लिए ही है. ओके सो उम्मीद करता हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलेंगे इस वीडियो के ऊपर. और मैं चाहता तो ये वीडियो अपलोड भी नहीं करता क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं सोचता कि मेरा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, मैं सारी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ. ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. और लाइक आपने कर दिया होगा, लाइक करने के बाद कमेंट कर दो प्यारा सा, चैनल पे ज्वाइन हो जाओ अगर फर्स्ट टाइम हो चैनल के ऊपर. चलिए गाइस, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.